So, hello and welcome everyone. कैसे हैं? आप सभी आई होप बढ़िया होंगे योर इंग्लिश एजुकेटर एंड गाइड इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनवीएस की वैकेंसीज को लेकर एनवीएस टीजी टी इंग्लिश में जो वैकेंसीज आएंगी वैकेंसी आने वाली है कैलेंडर जारी हो चुका है बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने वाले हैं आप लोग सितंबर तक इसका एग्जाम हो जाएगा आप लोगों को पहले ही बता दिया जाए टीजीटी और पीजीटी की लास्ट टाइम भी वैकेंसीज आई थी उसका अब तक शॉर्टलिस्ट का रिजल्ट भी आ गया है इस बार की वैकेंसी भी आप लोग छोड़ नहीं सकते जिन बच्चों का तब एग्जाम नहीं क्लियर हुआ या बच्चे जो वेट कर रहे हैं सीटेट वालों के लिए बहुत जरूरी है ये वैकेंसी आना क्योंकि सीटेट जो बच्चे अभी देने जा रहे हैं वो भी क्वालिफाई कर लेंगे तो इस वैकेंसी के लिए वो अपियर होंगी और एलिजिबल हो जाएंगी जल जानते हैं कि सिलेबस क्या होगा इंग्लिश का टीजी टी लेवल पर तो गाई जो लास्ट ईयर सिलेबस है वैसा ही कुछ मिलता जुलता तो सिलेबस है आपको रीडिंग आ रही है है ना रीडिंग तो आपको आएगी अबिलिटी टू कॉम्फ्रेंट एनालाइज इंटरप्रेट टेक्स्ट आएगा आप लोगों को वो करना होगा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये जो टेक्स्ट बेस होगा ये जो टेक्स्ट बेस होगा ये ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन होगा और फैक्चुअल होगा है ना कुछ फैक्चुअल होता है नॉन फैक्चुअल होता है तो आप लोग ये सारे टेक्स्ट को देखेंगे और कॉम्प्रीहेंशन आएगा अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसमें आप लोग करेंगे उसके बाद बात होती है यहाँ पर लास्ट ईयर के पेपर में भी ग्रामर बहुत ज्यादा देखने को मिली थी और राइटिंग बहुत देखने को मिली थी राइटिंग में आप लोगों के आएगा वन शॉर्ट राइटिंग टास्क मिलेगा नोटिस मैसेज और पोस्ट कार्ड कुछ भी आपको डाल सकते हैं वो लॉजिक मैनर्स में आपको फैक्ट्स पता होंगे उसके ओपिनियंस कोहरेंट वे में आपको लिखना पड़ेगा राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ इवेंट प्रोसेस और प्लेस ये भी आपको एक कोरेंट मैनर में आपकी राइटिंग स्किल जो है वो टेस्ट की जाएंगी एक डिबेट आर्टिकल स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट ये सारी कुछ आप लोगों को इन्वायरमेंट एजुकेशन चाहे मतलब ये आपको एक स्पीच लिखनी होगी डिबेट लिख सकते हैं आर्टिकल लिखने को आ सकता है आपको तो आर्टिकल राइटिंग आपको आनी चाहिए मतलब आपको राइटिंग फॉर्म्स आने चाहिए उसके बाद लेटर्स जो है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल ठीक है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल आपको राइटिंग्स आनी चाहिए तो नॉन फॉर्मल और फॉर्मल आप लोगों को राइटिंग्स आनी चाहिए फिर आपको एडिटर को आएंगे डिस्क्रिप्टिव पर्सनल लेटर तो इन, आपकी कौन सी होती है इनफॉर्मल होती है ठीक है तो ये आपको एक आधी लेटर ऐसे आएगी आगे अगर हम मूव ऑन करते हैं तो आ जाता है अपना जो आपका ग्रामर का सिलेबस है तो ग्रामर में आपको टेंस मॉडल्स वॉइस सब्जेक्ट वर्ब कनेक्टर्स क्लॉजेस पार्ट्स ऑफ़ तो स्पीच पंक्चुएशन कॉरंट सेंटेंस में लिखना पैराग्राफ को रीअरेंज करना सेंटेंस तो सारा आपको वही ग्रामर जो जनरल ग्रामर होती है जनरल इंग्लिश होती है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं स्कोरिंग होता है ये पार्ट अगर आपका ग्रामर में अच्छे हैं तो आपके लिए ये पार्ट भी स्कोरिंग है रीडिंग भी आप लोगों के लिए स्कोरिंग है आगे आता है भाई हमारा लिटरेचर लिटरेचर लास्ट टाइम भी उन्होंने इतना नहीं पूछा टीजीटी में और उन्होंने इस बार जो लिटरेचर दिया है बहुत कम दिया है ये तो आपको चुटकियों में हो जाएगा ना शेक्सपियर के वर्क आ रहे हैं रोमांटिक पीरियड पूछा है और इन्होंने दिए हैं शैली वर्ड्स कीट्स कॉलरेज और बायरन मतलब पांच जो रोमांटिक आपके मेजर पोइट हैं रोमांटिक पीरियड के वो दिए हैं इसके अलावा जितने भी हैं वो करना है जब शेक्सपियर की बात की जाती है शेक्सपियर अकेला नहीं होता उसके बाद उसके बहुत सारी चीजें हैं वन थर्टी सेवन उसके सॉन्न फिफ्टी जितने भी उसके प्लेज हैं वो वन फिफ्टी फोर सोनेट आपकी थर्टी सेवन प्लेज हैं उनके शेक्सपियर के विलियम शेक्सपियर के तो विलियम शेक्सपियर की जिंदगी हो गई उनके हर एक वर्क हो गए थर्टी सेवन प्लेज में उनकी ट्रेजेडीज होंगी ट्रेजडी कॉमेडी होगी कॉमेडी वाले प्लेज हो गए ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनके जो सोनेट्स हैं कुछ सोनेट्स उन्होंने किसको एड्रेस की है ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी आपके सिलेबस से तो वर्ड्स वर्थ, वर्थ कॉलरिज बायरन ये छोटा मोटा सिलेबस नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है आप सभी के लिए आई होप आप लोग रोज की रोज इसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे मेरे साथ चार बजे क्लास होगी आप लोगों तो की लिटरेचर की स्पेशली जो कि डी टू प्लस बी यूपी टीजीटी बीपीएससी को टारगेट कर रही है तो उसमें आपको ये सारा सिलेबस देखने को मिलता है लिटरेचर का प्लस आपको ग्रामर का इंग्लिश की तैयारी आपकी अच्छी होगी तो जुड़ना है आपने चार बजे क्लास में यूट्यूब पर एस डी कैंपस टीचिंग एग्जाम पर मेरे साथ चिल्ड्रन टेक केयर बाय जरूर बताना मुझे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इनमें से कौन सा टॉपिक जो है आप डिटेल में करना चाहते हैं थैंक यू सो मच